बस ठीक है। हाँ देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़े सबके सब थ्योरम जो थे सब प्रोपोर्शन वाले थे। क्या थे? ये भी क्या है? प्रोपोर्शन ही वाला है। ये थ्योरम बोल रहा है, हिंदी में समझ लो क्या बोल रहा है, कि अगर तीन लाइन है, तीन क्या है लाइन है, वो एक में को पैरेलल है, क्या है, और उनके ऊपर से दो ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो रही है, पास होगी पास, तो वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उनको जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिस जिस पॉइंट पे क्या करेंगे, वहां से एक साइड का प्रोपोर्शन इक्वल टू दूसरे साइड के प्रोपोर्शन के बराबर रहने वाला है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ए दिया, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा, यहाँ डी लिखा, यहाँ ई लिखा, यहाँ पे एफ लिखा, इस नाम का दिया एल और इसको नाम दिया एम, ए डी बी और सी सी एफ तीनों पैरेलल है, तीनों क्या है, ठीक है, यहां से ए एफ को क्या कर देना, ज्वाइन, क्या कर देना, हमको मेन क्या आंसर बताना है कि हमको ए बी बाई बी सी किसकी वैल्यू, ए बी बाय इक्वल टू क्या आएगा, डीई बाय ई एफ, डीई बाय, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इधर एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें एक बार बीपीटी अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना, अब देखो मैंने बोला ये इतना पार्ट इसको क्या है, पैरेलल है, क्या है, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा तो उसको पैरेलल नहीं रहेगा, तो सेम किसी के अंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए, भैया आपने तो इतना बोले तो पैरेलल, इतना ही तो पैरेलल लेना है, तो ये पूरा पैरेलल है तो कितना, इतना इतना सा भी साइड क्या रहेगा उसका, पैरेलल रहने वाला है, ठीक है। एक बार इसमें बीपीटी अप्लाई करना और एक बार इसमें, इसमें बीपीटी अप्लाई करोगे तो इधर का साइड एक आने वाला है प्रोपोर्शन, इसमें भी अप्लाई करोगे तो इधर वाला साइड क्या आएगा, प्रोपोर्शन, दोनों में वो क्या रहेगा, कॉमन, क्या रहेगा, उसको पहले को देना इक्वेशन और दूसरे को देना इक्वेशन, तो इन दोनों में जो कॉमन है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी सेम रहा, लेफ्ट सेम है तो राइट इक्वल ले लेना, राइट सेम है तो लेफ्ट इक्वल ले लेना, आंसर हो जाएगा खत्म, समझा। देखो हाँ बोलो, हाँ देंगे ना, बताता ना, हाँ, सब 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 एल, हाँ स्टेटमेंट पढ़ो, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है, मतलब तीन पैरेलल लाइन है और उनके ऊपर से दो ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है, पास, और उन ट्रांसवर्सल के उधर जो रेशियो आएगा, जो रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, मतलब एक इंटरसेप्ट एक ट्रांसवर्सल के द्वारा तीनों लाइन का कुछ प्रोपोर्शन आया इज इक्वल टू दूसरी जो ट्रांसवर्सल हो तीनों लाइन के ऊपर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो भी वो भी एक प्रोपोर्शन ला रहा है, तो ये रेशो और ये रेशो क्या रहेगा, दोनों इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, करेस्पॉन्डिंग मतलब दूसरे वाला, दोनों का रेशो क्या रहने वाला है, सेम, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल द सेम पैरेलल लाइन, दो ट्रांसवर्सल पास हो रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा तीनों लाइन का कुछ रेशो आएगा, अरे कुछ तो दूरी दूरी पे होंगे, अरे हाँ कि ना, अब कितनी दूरी पे हमको पता है क्या, बट प्रोपोर्शन निकाल लेंगे उसका, ठीक है, सेम ये जिस प्रोपोर्शन में तीनों लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड, वही सेम दूसरा भी ट्रांसवर्सल उसी प्रोपोर्शन में क्या करेगा, डिवाइड, और वही दोनों प्रोपोर्शन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये हमको क्या करना है, शो करना, तो गिवन ले लिया एल एम एन तीनों क्या है, पैरेलल है, एल एम एन तीनों क्या है, पैरेलल है, हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी बाय बी सी, ऐसे ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय, समझा, कंस्ट्रक्शन देखो,
ज्वाइन सेगमेंट ए आर, ए आर को क्या करना है? ठीक है, प्रूफ। ए आर को ज्वाइन करो, और ए आर जब ज्वाइन कर रहे हो तो बीको को कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एफ पे। अब तीन ट्रायंगल लेना है, ए सी आर, कौन सा ट्रायंगल? ठीक है, लाइन एल जो है पैरेलल है किसको? सॉरी एल नहीं लेना है हमको, एम, एन लेना है, एन पैरेलल लाइन एम। ठीक है, कहां से? गिवन दिया हुआ है तीन लाइन पैरेलल है, तो तीनों को मैं किसी को भी इक्वल टू करके दो को इक्वल टू लिख सकता हूं। देखो ऐसा बन रहा हूं फिगर, ए यहां पे भी है, यहां एफ है, यहां सी, और इधर क्या है? एल के ऊपर बी एफ आ रहा है ना, देयरफोर कैसे डिवाइड करेंगे? ए बी बाय इक्वल टू ए एफ अपॉन, कौन सा इक्वेशन दो इसको? इनर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लो ए, सॉरी आर पी ए, कौन सा ट्रायंगल? आर पी ए, ऐसा ही है, यहां पी ए, यहां, यहां क्या है? ये कौन सी लाइन है? एन, इसका नाम क्या है? एल है, एल यहां पे क्या है? क्यू, इधर क्या है? ठीक है, ऐसा ही है ना, देखो आर है, आर है, क्यू क्यू है, एन पी है, ए एफ। ठीक है, लाइन एल पैरेलल लाइन एन, देयरफोर क्या आएगा? आर एफ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में कर लेंगे। आर एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू क्या होगा? आर क्यू अपॉन पी क्यू बाय बी पी टी, हाँ कि ना? अब हमको पी क्यू ऊपर होना है ना, और एफ ए भी कहा होना? ऊपर, तो लिखो इसको एफ ए आर एफ पी क्यू क्यू आर या आर क्यू, कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवर्टेंडो। ठीक है, बाय यूजिंग इनवर्टेंडो, इसको दिया इक्वेशन नंबर वन, लिखा सेकेंड, लिखा इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। ठीक है, दोनों में क्या कौन सी साइड सेम दिख रही है? राइट हैंड साइड सेम दिख रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्या है? पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी बाय, देयर फोर ए बी बाय बी सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर के। ठीक है, Hence, समझा? ये थ्योरम पूछता नहीं है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह कहीं कहीं इसके जो एप्लीकेशन है, जो हमको आउटपुट मिल रहा है थ्योरम के कारण, वो तो सर्कल में भी यूज है। का यूज है? तो याद रखना इसको, ये तभी अप्लाई करना जब तीन लाइन क्या होंगी और दो उसके ऊपर से क्या होना चाहिए, क्या पास होना चाहिए? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब उसके ऊपर से क्वेश्चन देखेंगे।
अब हेडिंग तुम क्या डालोगे, क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, पहले ये लिख लेना, फिर उसके बाद लिखना क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। तीन क्वेश्चन है बस, खत्म। कितने क्वेश्चन है पूरे बुक में, केवल तीन है इस चैप्टर में, इससे रिलेटेड केवल कितने हैं तीन, और भी होंगे तो देख लेना फिर कर लेंगे वो, पता ही नहीं। अब क्या बोले वो, ट्रेपेजियम, क्या बोले ट्रेपेजियम, क्या बोले ट्रेपेजियम, ठीक है ट्रेपेजियम है ना। तो ट्रेपेजियम जो है हमारा वो कौन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है कि पॉलीगोन है, पास करना वीडियो में भी आज, हाँ समय जाता है उसमें। चलो एबीसीडी हमारा ट्रेपेजियम है, अब ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल भी, और तो ट्रेप अगर यहां पे इसने ऐसा नहीं भी दिया था ना, एबी पैरेलल पीक्यू, सी पूछना ऐसा दिया था पीक्यू पैरेलल डीसी, क्या बोलता, तभी भी तुमको एबी इसको पैरेलल मानना पड़ता, क्योंकि ट्रेपेजियम मतलब होता है उसकी एक साइड क्या होती है पैरेलल, क्या होती है एक अपोजिट साइड क्या होती है पेयर की पैरेलल होती है, और वही पैरेलल लेंगी जो इक्वल नहीं है। ट्रेपेजियम दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं है ना छोटी, दो टाइप के होते हैं ना, जैसे आजकल छोटी भी लड़कियां कितने टाइप की बांधती है, अरे स्कूल में अलग, स्कूल में अलग और ट्यूशन में फिक्स रहता है उनका, स्कूल में जाएंगी तो दो छोटी बाजू से लटकी हुई रहेंगी, और ट्यूशन में सिंगल, हाँ ठीक है हाँ। तो इसके भी कितने टाइप है, दो टाइप है, कितने टाइप है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है वो साइड जो पैरेलल नहीं है, वो साइड जो पैरेलल, जैसे इसमें कौन सी साइड पैरेलल नहीं है, एडी और बीसी, इन दोनों की लेंथ सेम रहेंगी, इन दोनों की लेंथ क्या रहेंगी सेम। और दूसरा होता है राइट एंगल ट्रेपेजियम, क्या होता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का रहता है, एक क्वेश्चन पूछू, अगर ट्रेपेजियम है तो उसके चार एंगल का सम कितना होगा, 380, 360 क्यों रहेगा, तीनों एंगल का सम 190 होता है, हाँ क्वाड्रिलेटरल किस कैसे निकलता है 90 90 90, बोल एक फॉर्मूला है पता है, एक फॉर्मूला है 180 माइनस की 2, पता नहीं n माइनस 2 इंटू 180 क्या है, n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, n मतलब क्या होता है कितने साइड्स है इसके, उसके लिए पहले पॉलीगन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सिर्फ 2D शेप्स के लिए, किसके लिए 3D शेप्स का, ठीक है 2D शेप्स में भी वही जो क्लोज हो, क्या हो, और 2D क्लोज रहता ही है, 2D क्लोज, 2D शेप्स पता है ना, जिसकी क्या नहीं होती है डेप्थ नहीं होती है, गहराई नहीं होती उनकी, क्या नहीं होती गहराई नहीं होती, फ्लैट होते हो, क्या होते हैं फ्लैट, समझता है ना, नहीं होगा तो हाँ। अब देखो इसमें तुमको समझना है तो क्या करना है, तुमको समझना है, क्या समझना ही पड़ेगा तुमको, और क्या, एबी दिख रहा है, पीक्यू दिख रहा है, डीसी दिख रहा है, एबी पीक्यू डीसी तीनों क्या है, क्या है, और बोल दिया एडी क्या हो गया, डीसी क्या हो गया, तीन पैरेलल लाइन है, उनके ऊपर से दो ट्रांसवर्सल क्या हो रहे, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि साय ये प्रोपोर्शन और ये प्रोपोर्शन क्या रहेगा, पटक दो आंसर, क्या है सॉल्व कौन करेगा, समझा, चलो इन ट्रेपेजियम क्या बोला है, एपी कितना है, पीडी कितना है, क्यूसी कितना है, साइड ए बी किसको पैरेलल है, साइड पी क्यू को, और साइड पी क्यू किसको पैरेलल है, एंड
एडी एंड बीसी, एडी और बीसी क्या है उसके, क्या है एडी और बीसी उसके ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, रफ फिगर नहीं बना रहा, समझ जाएगा ना। यहां ए, यहां बी, यहां सही है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करता कि ऐसे ऐसे डिवाइड करता, ऐसे, ठीक है। जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना उसके हिसाब से जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे तो ऐसे डिवाइड होगा, कैसे आएगा, एपी बाय पीडी इक्वल टू बी क्यू बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल, एपी कितना है 15, पीडी कितना है, तो मैं इसको 5/4 लिख दूं क्या, हाँ भी बोल रहे हो। बी क्यू कितना है, क्यू सी कितना है, 3/5, 3/4, समझा, ये डिवाइड इधर जाके, तो 5 × 2 कितना हो गया 4, जैसे का इधर क्या बच गया, दे आर 4, 2 × 2 = 2, 7 × 7 = 5, / 2 जैसे का बी क्यू कितना आया, कितना आया 17, समझा कि ना, समझा ना, वैल्यू सही है क्या, चेक कर लो एक बार, 15, 12, 14, ठीक है, समझा।